हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैलेंट हब स्मार्ट स्टडी। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं महाराष्ट्र की बहुत ही चर्चित झील के बारे में, जिसका नाम है लोणार झील। और ये काफ़ी ज़्यादा आजकल चर्चा की विषय बनी हुई है, वो इसलिए क्योंकि इसका जो पानी है, उसका जो कलर है वो चेंज हो गया, वो पिंक कलर का हो गया। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी विस्तार से, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यह झील महाराष्ट्र के बुलढाणा ज़िले में है और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लाखों वर्ष पुरानी कहा जाता है इस झील को कि लाखों वर्ष पुरानी है। और इसका जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में अभी तक कोई बातें नहीं। लोग कहते हैं, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि जो इसका निर्माण है वो एक उल्का पिंड के टकराने से हुआ है। एक बहुत पहले, करीब 52,000 साल पहले, पृथ्वी से एक उल्का पिंड टकराया और उसके बाद ये झील बनी। उसके पृथ्वी से तेज़ी से टकराने के कारण ये झील बनी। कुछ लोगों का कहना है कि प्राचीनतम वेद और पुराणों में भी इसका जिक्र है, ऋग्वेद और स्कंद पुराण में इसका जिक्र है। इसके अलावा आईने अकबरी में भी इसका जिक्र किया गया है। ये जो झील है, ये खारे पानी की झील है और इसको यूनिक जियोग्राफिकल साइट के रूप में आइडेंटिफाई किया गया था। एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जिनका नाम था CJE अलेक्जेंडर, उन्होंने 1823 में इस झील को आइडेंटिफाई किया। अगर इस झील की हम डायमीटर की बात करें तो 1.85 किलोमीटर का इसका डायमीटर है और इसकी जो गहराई है, जो इसकी डेप्थ है, वो है 500 फीट। और ये झील डेक्कन प्लेट्यू में स्थित है। नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट भी इसको माना गया है। और इसलिए जो जियो हेरिटेज चीज़ होती है वो ये है कि पृथ्वी के विकास से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं उसे हम जियो हेरिटेज बोलते हैं। तो इसके पीछे एक स्टोरी भी है। जो हिंदू धर्म को मान्यता रखने वाले लोग हैं वो ये मानते हैं कि एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था लोणासुरा, और वो जो लोकल लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करता था, काफ़ी तंग करता था। तो उसकी वजह से भगवान विष्णु को धरती पे आना पड़ा और उसका सर्वनाश करने के लिए उन्होंने बहुत ताकत लगाकर उसे पाताल लोक भेज दिया। तो इस वजह से वो उस झील का निर्माण हुआ, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। इस झील के बारे में ये भी कहा गया है कि ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा रहस्य है और ये अपने आप में लार्जेस्ट और केवल एक अकेला ऐसा क्रेटर है जो कि बेसाल्टिक रॉक में है। और इसका जो पानी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये थोड़े से सेलाइन और एल्केलाइन दोनों है। कुछ कहते हैं कि ये झील 570,000 साल पुरानी है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये झील 52,000 साल पुरानी है। नासा ने ये माना है कि नासा के अकॉर्डिंग इसमें जो क्रेटर है वो मून की सरफेस के जैसा दिखाई देता है। जैसे मून की सरफेस में क्रेटर है, उसी तरीके का कुछ मिलता जुलता क्रेटर ये भी है। ये जो झील है, ये 8 पुराने मंदिरों से घिरी हुई है, जो कि 6th सेंचुरी और 12th सेंचुरी के मंदिर हैं, जो कि चालुक्य और यादवा पीरियड के टाइम के मंदिर हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पुराने मंदिर हैं। तो ये झील उन मंदिरों से घिरी हुई है। ये जो झील है, ये आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि इसका जो पानी है वो अचानक से गुलाबी रंग का हो गया और इस तरीके से ये चर्चा का विषय हो बन गया है। और काफ़ी ज़्यादा जो साइंटिस्ट लोग हैं वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि इसकी क्या वजह हो सकती है। तो इसकी कुछ वजहें अनुमान लगाए जा रही हैं कि ये वजहें हो सकती हैं, इनकी वजह से इसका जो रंग है वो गुलाबी कलर का हो गया। और इसके बारे में नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि नागपुर में है, जिसे नीरी भी बोलते हैं, वो इसके बारे में पता लगा रही है। और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आए हैं, कुछ रीजंस हैं जो कि अनुमानता हो सकते हैं। इसमें पहला है एल्गल ब्लूम, यानी कि जो झील होती है उसमें एल्गी होती है, जिसे शैवाल भी बोला जाता है। तो ये शैवाल होते हैं, एल्गल होते हैं, तो इनका अचानक से अगर इनकी पॉपुलेशन में रैपिड इंक्रीज हो, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एल्गा बढ़ जाती है, तो उस वजह से भी ये कलर चेंज हो सकता है। इसके अलावा अगर इसकी सैलिनिटी में चेंज हो गया है, इवेपोरेशन की वजह से अगर वाटर जो सैलिनिटी होती है वो बढ़ जाती है, तो अगर सैलिनिटी में चेंज हो गया है तो उसकी वजह से भी ये जो लेक का कलर है वो पिंक हो सकता है। इसके अलावा एक और बड़ी वजह हो सकती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो बायोलॉजिकल चेंज भी हम मान सकते हैं, क्योंकि पहले इस झील एक तरीके से टूरिस्ट के अट्रैक्शन का विषय थी। लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आते थे, जिनको पता है इस झील के बारे में,
वो लोग यहाँ पे आते थे, तो इस वजह से जो पॉपुलेशन है वो भी इफ़ेक्ट करती है, किसी भी जो लेक है कोई भी नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको इफ़ेक्ट करती है। तो उसकी वजह से भीड़ कम हुई लॉकडाउन की वजह से और लोगों का आना जाना कम हो गया। तो कुछ लोगों का मानना है कि इसकी वजह से भी उसमें कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस आए होंगे। तो ये कुछ रीजंस हैं जो अनुमान लगाया जा रहा है कि इनकी वजह से झील का जो कलर है वो चेंज हो गया। लेकिन बात जो भी हो, ये जो झील है, जो लोनार झील है, वो हमेशा से एक मिस्टीरियस झील है, हमेशा से एक रहस्य का विषय बनी हुई है और इसके बारे में अभी भी लोग पता लगा रहे हैं, अभी भी इस पे रिसर्च चल रही है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।